नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं रितिका। आज हम बात करें कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, किस इशू को लेके ये मीडिया के सामने प्रेजेंट हुए हैं, क्या कुछ बातें इनकी हैं जो आगे तक पहुंचनी चाहिए, वो इन्हीं से हम जानेंगे। तो सर, पहले आप हमें बताएं किस मुद्दे को लेकर आप मीडिया के सामने दोबारा से आज प्रस्तुत हुए हैं। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत थैंक्स करता हूँ। और आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर की हमारी लीडरशिप यहाँ पे दो दिन से यहाँ पे दौरे पे है। कश्मीर पवन का हमारे साथ लीडरशिप आई है यहाँ पे। और आज सबसे पहले तो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो रात को उन्हें पार्लियामेंट में बयान दिया है कैजुअल दिवस के ऊपर, और माननीय जुगल शर्मा जो यहाँ के हमारे सांसद हैं अपने जम्मू पुंछ लोकसभा के और डोडा उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका बहुत थैंक्स करते हैं कि पहली बार हमने एक पॉजिटिव बयान जो वहाँ पे सुना है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले साल हमारी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट की टीम ने डॉक्टर साहब ने दिल्ली में तलब किया था, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट तारिक रसूल साहब थे, तारिक साहब थे, जहांगीर साहब थे, और हमारी जितनी भी टीम थी, पांच रुकनी टीम थी वहाँ पे, और हमें वादा किया गया था कि मिनिमम एजेक्ट आपको लागू होगा। अब अभी भी हम उसी उम्मीद पे खड़े हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबर्स के लीडर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, क्योंकि अलग अलग तमाम पोर्टल्स आप देख रहे हैं पिछले एक दो साल से हो रहे हैं, लेकिन कैजुअल लेबर यूनिट फ्रंट एक ऐसा बैनर है जिसने जम्मू कश्मीर के दोनों जगहों की और लद्दाख की भी लड़ाई लड़ी है। तो आज ये फैसला हुआ है कि बहुत जल्दी कश्मीर के अंदर एक इतिहाद मुलाजमिन कॉन्फ्रेंस हम बुलाने जा रहे हैं, यूनाइट एम्प्लाइज का उसको नाम देंगे हम, जिसमें तमाम लीडर्स को हम इन्वाइट करेंगे और एक बहुत बड़ी लड़ाई का जो हम आगे ऐलान करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन कौन लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए आज मंथन यहाँ पे हुआ है। और जैसे हमारी कश्मीर के लीडर्स आप कश्मीर में जाके बाकी लोगों से भी मिलेगी और एक फाइनल डिसीजन आएगा और एक फाइनल लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स की लड़ी जाएगी, क्योंकि यही लोग हैं। देखिए जिस तरह से इस वक्त विधानसभा का चुनाव आगे आने वाले टाइम में हो रहे हैं, तो यही लोग सरकारें बनाते हैं, सरकारें गिराते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, ये वही लोग हैं। और कहीं सरकार ने इस बार चूका इस मसले को हल करने के लिए, तो इस बार इनको लखनपुर से उखाड़ के बाहर फेंक देगा, यही कैजुअल लेबर्स काम करेंगे। लेकिन फिलहाल यही अपील है मेरी प्रशासन से और खास करके डॉक्टर साहब से और जुगल किशोर जी, ने रात को बयान दिया है, एक उम्मीद जागी है लोगों में और हम उनका वेलकम भी करते हैं, उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहां पे बुलाई थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पॉजिटिव सरकार दिखा रही है तो बहुत जल्दी सरकार इसके ऊपर काम करेगी और हम उसका वेट करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता उसके बाद जो है तादमलान कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा आंदोलन जो जम्मू की और कश्मीर। तो सर, पिछले साल की अगर मैं बात करूं, सबको याद होगा, हमारी पब्लिक को भी याद है, आपने यहां पे ग्राउंड पे उतर के लोगों के समर्थन के साथ जो है बड़े बड़े आंदोलन छेड़े थे, आप लोगों ने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद ग्राउंड पे उतर के भी काफी ज्यादा हंगामे हुए थे, उसके बावजूद ही ना मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ, ना ही रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आने चाहिए थे इम्प्लॉइज को लेकर, ऐसा कुछ तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो इम्प्लॉइज तो बैठ के रो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये कोई आज की बात है, इम्प्लॉइज 20-25 साल से ही रो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए वो पीएचई के डिपार्टमेंट्स के, वो इरिगेशन है, वो सेरिकल्चर है, वो आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी लोगों का यही हाल है। लेकिन अभी अभी एक आर्डर देखा होगा आपने, जिसमें एलजी साहब ने कहा था कि 12,000 कर्मचारी जो बिजली के उनको रेगुलर किया जाएगा। मुझे लगता है कि ग्राउंड अभी वहीं पे कुछ काम हो रहा है। लेकिन जहां तक मिनिमम वेज एक्ट की बात करें, जब अमित शाह माननीय मिनिस्टर होम मिनिस्टर जब जम्मू के दौरे पे आए थे और भगवती नगर की रैली में उन्हें एड्रेस करके मिनिमम वेज एक्ट यहां पे लागू हुआ और ये सर्व सफाई कर्मचारी एक्ट को भी जम्मू कश्मीर लागू किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी वो ग्राउंड लेवल वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप रहा है, एक मिसकम्युनिकेशन गैप रहा है जम्मू और सेंटर के जो लीडरशिप उसके दरमियान में। तो ये कहीं लीडरशिप का लैक्स ऑफ लीडरशिप रहा है जम्मू कश्मीर का, ये हमारी ऐसा बदकिस्मती कहेंगे कि यहाँ के लीडर ऐसे नहीं मिले जो आवाज को वहां पहुंचा सकते थे। लेकिन बहरहाल आज वो दिन है, हम अपील करेंगे एक बार फिर उन लीडर से, माननीय होम मिनिस्टर का दौरा भी है, लगता है अगले बार प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, तो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त कैजुअल लेबर्स का है इसको हल करें और ये भी अपनी जिंदगी जो है इज्जत से गुजारें, अपने बच्चों को सही तालीम दे सकें। तो सर आप मुझे एक चीज बताएंगे, अगर सरकार की हम बात करें, फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो बाय द पीपल तो हो गई है, लोग ही बनाते हैं सरकार को, पर जब लोगों की बात आती है तो उनके लिए सरकार की तरफ से ऐसे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन निकल के आ ही नहीं रहे हैं, लोग तो रो रहे हैं सड़कों पे, धरने प्रदर्शन करने में उतारू हो गए हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? आपको लगता है जो विजिट होने वाला है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो भी नेतागण यहाँ पे आने वाले हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट होने वाला है जम्मू कश्मीर में? देखिए सबसे पहले मैं तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आज का ये इजलास है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट का, इसमें जो बात अभी तनवीर सर ने कहा है कि जो हमारी इत्तेहादी मुलाज़मीन कॉन्फ्रेंस होगा, इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि जो हमने फैसला लिया है कि इत्तेहादी मुलाज़मीन कॉन्फ्रेंस किस लिए बनेगी, क्यों बनेगी, शायद उसका फैसला यही होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने लोग हैं ये इनको रुलाया गया है
खुद इन्होंने नहीं रोया है, उन्होंने अपने आप को डिपार्टमेंट के अंदर काम करवाया है। और मगर बदकिस्मती की वजह से जितने हमारे सरकारें यहाँ आई है जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली वेजरों और कैजुअल लेबरों की परिवार को रुलाया। लिहाजा हम आपके माध्यम से उन तक ये खबर पहुँचाना चाहते हैं कि जैसे कल डॉक्टर साहब और जुगल किशोर साहब और मसूदी साहब ने बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर, बयान देने से कुछ नहीं होता है, उसमें ग्रामीण लेवल पर लागू किया जाए ताकि हम इलेक्शन मुहिम के खिलाफ अगला प्रोग्राम नहीं बनाएंगे जैसे कि हम एतिहाद कॉन्फ्रेंस में बनाने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन में इनको थोड़ा सा दिक्कत आएंगे तब तक जब तक ये लोग 61,000 डेली वेजरों का मसला हल नहीं करेंगे, रेगुलाइजेशन पॉलिसी वाजिया नहीं करेंगे और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं करेंगे, तब तक हम इतिहादी मुलाजमीन कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाएंगे जेएनके के अंदर, जैसे इन्होंने आज तक हमें धोखा दिया है, हम इनके अपोजिट एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जो इलेक्शन के बॉयकॉट के खिलाफ होगा, जो इनकी जितने 1994 से लेके आज तक इन्होंने अपने घर के लिए किया है वो मंजरी आम पर लाएंगे कि इन्होंने आज तक कौम के लिए कुछ नहीं किया, डेलीवेजनों के लिए कुछ नहीं किया। 27-28 को विजिट होने वाला है यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से, तो उस पर आपका क्या रहेगा? उस पर हमारा यही फोकस रहेगा, जो हमारी कोर कमेटी है वो फैसला लेंगे और जो कोर कमेटी का फैसला होगा तो उसका हम तहदील से कबूल करेंगे, और जो कोर कमेटी का फैसला होगा उस विजिट के बारे में अगर उससे पहले हमारे साथ अच्छा सलूक हुआ, अच्छा मतलब आया, तो कोर कमेटी फैसला लेगा कि आने वाले विजिट के लिए हम एहतजाज बनाएंगे, विजिट नाकामयाब करेंगे या विजिट को इस्तकबाल करेंगे, ये हमारी कोर कमेटी फैसला लेगा जेएनके के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे ये जो अब जम्मू कश्मीर के जितने भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स की बात करें, यहाँ पे अलग अलग जो कमेटीज बनी हुई है, यहाँ पे जो अलग अलग पार्टीज बनी हुई है, उनकी तरफ से साफ सीधे शब्दों में बोल दिया गया है कि अगर इनके मुद्दों को हल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनका समर्थन आगे सरकार को जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में चाहे किसी के विजिट हो, चाहे उनकी तरफ से कोई भी फरमान लागू किए जाए, उनका समर्थन इनकी तरफ से तो होने ही नहीं वाला है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो जम्मू कश्मीर में लिए जाएंगे सरकार की तरफ से। जो भी रिपोर्ट रहेगी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुलिस्तान न्यूज के साथ रितिका राजपूत, कैमरामैन अनमोल के साथ, धन्यवाद।